अब साथ ही दोस्तों बात आती है यूजीसी वाला कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही आप मध्य प्रदेश क्लिक करते हैं तो टोटल यहां पर 43 जो टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में, सभी यूनिवर्सिटीज के नाम यहां पर मेंशन होंगे, आप नाम इजीली देख सकते हैं। दोस्तों जब भी कोई एक नई यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आती है, मतलब कि जब भी कोई एक नई यूनिवर्सिटी बनती है, तो काफी सारे प्रॉमिसेस के साथ में वो यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। जैसे कि वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स को अच्छे लेवल की एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। दोस्तों होता क्या है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, साथ में ही अच्छी एजुकेशन देते हैं वो लोग, अच्छी फैकल्टीज होती है। पर यहीं पर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी आती है जो यूनिवर्सिटीज कोशिश तो करती है बट उस लेवल तक पहुंच नहीं पाती है। और दोस्तों जितने भी संस्थान, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टोटल चलती है मध्य प्रदेश में, उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है IES यूनिवर्सिटी। भोपाल में यूनिवर्सिटी है IES कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो कि टेक्नोलॉजी कॉलेजेस चलते थे, मतलब टेक्निकल कोर्सेज कराया करते थे, या MBA कॉलेजेस भी थे, ऐसी सभी कॉलेजेस ज्यादातर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए जब से BTech ज्यादा ही डाउनफॉल होना शुरू हुआ और जब से BTech की डिमांड बहुत ज्यादा कम हुई। चलो वो एक दूसरी बात थी, पर अभी की हम बात करने वाले हैं IES यूनिवर्सिटी के बारे में। IES यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, यूनिवर्सिटी कहां पर ये स्थित है, क्योंकि हमने जितने भी वीडियोस बनाई अब तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर, जो यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में चलती हैं, उन्हीं में से एक नाम आया IES यूनिवर्सिटी का हमारे सामने, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किए थे कि हम इस यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो बनाएं और क्या कहती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, क्या कहता है UGC पर स्टेटस, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारी रिसर्च बोलती है, उन सब के बारे में आज आप जानोगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। IES यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों IES यूनिवर्सिटी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जितनी बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है भोपाल में या फिर मैं कहूं मध्य प्रदेश में, उसी तरह से ये यूनिवर्सिटी भी सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं, जो UGC का एक्ट बोलता है 1956 का, उसके तहत वो यूनिवर्सिटी बनाई जाती है जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और दोस्तों अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है UGC, और UGC को रेगुलेट करता है हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी, और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। अब जानिए कि ये यूनिवर्सिटी UGC पर आप कैसे चेक करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी UGC पर लिस्टेड नहीं है तो यूनिवर्सिटी वैसे ही इनवैलिड हो जाती है, और जैसे मैंने आपको बताया 2023 का जब भी प्रॉस्पेक्टस हमारे पास आएगा तो उस प्रॉस्पेक्टस को लेके और अच्छे से रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे नए कोर्सेज कौन कौन से इस यूनिवर्सिटी के पास आए हैं। अब साथ ही दोस्तों बात आती है UGC पर कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद में एक इंटरफेस खुल के आएगा जो UGC का इंटरफेस है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का इंटरफेस। वहां पर जो वेबसाइट खुली है वहां पर एक टैब आएगा यूनिवर्सिटीज के नाम से। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आएगा। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जाकर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहां सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे, जितने भी स्टेट्स हैं अपने देश में, मतलब जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज बनी हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। यहां पर आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मध्य प्रदेश को क्लिक करते हैं तो टोटल यहां पर 43
जो टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में, सभी यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर मेंशन होंगे, आप नाम इजीली देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब दोस्तों बात आती है कि IES यूनिवर्सिटी कहां देखेंगे। 10वें नंबर पर दोस्तों देखिए, 10वें नंबर पर ये कोई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं है, अल्फाबेटिकली जहाँ नाम आया वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है IESuniversity.ac.in और यूनिवर्सिटी 2019 में दोस्तों बनी है, 14 अगस्त 2019 में यूनिवर्सिटी बनी है। और यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स है वो मोर डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सब डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगी। जैसे कि यूनिवर्सिटी की नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन होती है, फ़ोन नंबर होता है, मेल आईडी होती है, वेबसाइट होती है, सब मेंशन है पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। साथ में VC इन्फॉर्मेशन में वाइस चांसलर साहब की डिटेल्स हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश कुमार सोहानी जी, ये इनका नाम है। साथ में इनका फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रार साहब की। रजिस्ट्रार साहब का नाम है डॉक्टर ज्योतिराम सवाले, साथ में इनका फोन नंबर मेंशन है और साथ में मेल आईडी भी मेंशन है। कोई किसी तरह की अगर मेजर प्रॉब्लम आपके साथ में आती है या फिर यूनिवर्सिटी में सुनवाई नहीं होती है तो सीधा आप VC साहब से, रजिस्ट्रार साहब से भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे। दोस्तों अगला वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं, किस कॉलेज या किस कोर्स पर चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें, हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। आज का वीडियो अच्छा लगा हो अभी हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।